कई इस तरह के सवाल हैं कि मेंस का प्लेजर अलग है और वमेन्स का अलग है तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच तो ये कहते हैं कि एंड इट्स द फर्स्ट प्लेस जहाँ पर एटलीस्ट एन शायद अदर कल्चर्स माइट इट बिफोर बट कामसूत्रा कहता है कि जो आदमी का इट सेज के मैन एंड विमेन का प्लेजर इतना अलग है और जिस तरह मैनिफेस्ट होता है वो भी इतना अलग है कि आप नहीं कह सकते कि हाँ जी दोनों आप इकट्ठे जाइए बिस्तर पे लेटिए और कुछ भी एंड इट ऑल कम टुगेदर हो ही नहीं सकता इसलिए ये सेकंड चैप्टर जो लिखा है सेकंड हिस्सा जो लिखा जी. है कि किस तरह से फो प्ले करना चाहिए इसलिए इसको लिखा गया है ताकि वो बिल्डअप हो सके ताकि वो कोऑर्डिनेट हो सके जैसे कि जो आदमी का प्लेजर है वो आग की तरह है नीचे से शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है जी. और झट से आग की तरह झट से जगाया जा सकता है और बुझाया जा सकता है औरत का प्लेजर पानी की तरह है ऊपर से शुरू होता है नीचे की तरफ जाता है और पानी की तरह बहुत देर लगती है उसको उबाला आने में और बहुत देर लगती है फिर ठंडा होने में तो हमारा प्लेजर भी आदमी और औरत का बिल्कुल अलग है एंड ये कभी हमें सिखाया ही नहीं गया कभी बताया ही नहीं गया कि ये है तो किस तरह से अप्रोच करना चाहिए कि दोनों एक तरह दोनों एक टाइम पर एक चीज नहीं कर पाते तो हाउ डू यू मेक इट इन सच अ वे कि दोनों एक तर, एक टाइम पर प्लेजर ले सकें एक दूसरे में प्लेजर ले सकें और किस तरह से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकें प्लेजर का मतलब ऑर्गेजम प्लेजर का मतलब ऑर्गेजम नहीं सिर्फ ऑर्गेजम तो लास्ट थिंग होती है ना वो तो एंड में जी। प्लेजर इज़ द रीजन ऑफ दैट ऑर्गेजम भी तभी हो सकता है अगर वो प्लेजर हो ऑर्गेजम तो हाँ आई मीन मैन का प्लेजर अलग तरह से हो सकता है एजैक्युलेशन uh, हो उसके साथ ऑर्गेजम हो सकती है दस वेरी डिफरेंट लेडीज़ का नहीं ऐसे होता तो यू हैव टू हैव अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ डूइंग इट एंड क्योंकि लेडीज़ को इतना ज़्यादा औरत को इतना ज़्यादा और टाइम लगता है कम्पेयर टू द मैन इसलिए सिखाना ज़रूरी था और इसलिए ये भी सिखाना ज़रूरी था कि आपके लिए बेनिफिशियल है जी आदमी को ये बताना इम्पोर्टेंट था कि नहीं नहीं तो क्यों कोई करे मैम ये टाइमिंग ता, का क्या इशू होता है इसमें कि जैसे वो वुमेन टू वुमेन डिपेंड करता है कि कोई कितने टाइम में तो ये कैसे पता लगाए कि जैसे कोई पार्टनर है अपने बैग पे और वो कैसे पता लगाए कि जो उसकी फीमेल पार्टनर है वो प्लेजर उसको हो चुका है वो ऑर्गेजम उसे हो चुका है क्योंकि मेरे ख्याल से शायद ही कोई आ, फीमेल होती हो जो इस बारे में बात करते हैं अभी भी हमारे यहाँ बात नहीं होती है बात नहीं होती है। खासकर फीमेल ऑर्गेजम को तो लेकर तो ये कैसे पता लगा है? जैसे कोई आ, मेल पर्सन है वो ये चाहता है कि मेरी पार्टनर मुझसे खुश रहे लेकिन वो दोनों इस पर बात नहीं करते जबकि बात करना बहुत जरूरी है आपने ये भी कई बार कहा है तो आई थिंक इसका नीरज कोई इजी आंसर नहीं है अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट अच्छा काम सूत्र में ये भी, ये भी लिखा है कि अगर आपको ईजी सोल्यूशन चाहिए तो एंड आई डोंट अग्री विद दिस बट्स बता रही हूँ तो आप अपनी पार्टनर को किस कीजिए पूरे बॉडी पर ऊपर से ले कर नीचे और जब आप नोटिस करें कि उसकी आँखें ऐसे ऊपर की तरफ जाने लगें जी. थोड़ा सा ऐसे लगे कि वो थोड़ी बेहोश सी होने लगी दैट मीन्स कि दैट इज़ हर गुड पॉइंट दैट दैट इज़ वे शी इज फीलिंग द प्लेजर और उधर फोकस कीजिए और उससे आगे बढ़ सकते हैं पर ये मेरे ख्याल बहुत सिंपलिस्टिक पॉइंट है बट दैट्स दट्सो द काम सूत्र आई थिंक इसका और कोई वैसे सोल्यूशन नहीं है कम्युनिकेशन ही है बट आई थिंक ऑल्सो आप देख सकते हैं जब आपके पार्टनर इज़ इंटरेस्टेड इज एक्साइटेड आई थिंक दिखता है करने करने वाली बात। बाद आप देख सकते हैं उनके रिएक्शन से अच्छा काम सूत्र में ये भी लिखा है कि देर आर साउंड लव मेकिंग में साउंड होते हैं कि औरत किस तरह के साउंड्स बनाएगी वो पांच डिफरेंट साउंड्स हैं जो बर्ड साउंड्स पर बेस्ड हैं बेसिकली बर्ड साउंड हाँ तो ये अब सब लोग जाकर कामसूत्रा पढ़ें वो चैप्टर पढ़ें एंड आई वांट देम टू रीड के ये क्या साउंड्स हैं मैंने इन पे एक पूरा चैप्टर लिखा था अपनी किताब में भी कि पहले इस तरह का थोड़ा सा गटरल सा साउंड होता है फिर जब उसका प्लेजर बढ़ता है तो वो पिच थोड़ी सी बदल जाती है इस पर तो आदमी को इसलिए इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये ठीक सही चल रहा है कि नहीं